राज्यसभा में दो सीटों पर बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी विधानसभा में एंट्री करेंगे। आखिर कौन है डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जिन्हें बीजेपी राज्यसभा में भेजना चाहती है, देखें ये खास रिपोर्ट। 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। नंबर के लिहाज से भाजपा दो सीट जीत रही है, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दूसरे प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी। सिंधिया के सियासी सफर से तो सब वाकिफ है, लेकिन प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी एक ऐसा चेहरा है जो एमपी की सियासत में ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहा। सुमेर सिंह सोलंकी वनवासी कल्याण परिषद से जुड़े हैं। वो बड़वानी में पदस्थ है, लेकिन आदिवासियों के बीच जागरूकता लाने के लिए जाने जाते हैं। सुमेर सिंह सोलंकी पहली बार किसी चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं। 45 साल के लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनका परिवार जन संघ के समय से ही पार्टी से जुड़ा हुआ है। खरगोन बड़वानी से लोकसभा के पूर्व सांसद मकन सिंह सुमेर सिंह सोलंकी के काकाजी हैं। काकाजी के सांसद होने के कारण सुमेर सिंह सोलंकी अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहे हैं। वो भले ही पहली बार किसी पद के लिए दावेदार बनाए गए हो, लेकिन बीते 20 साल से काका से राजनीति की बारीकियां जरूर सीखते रहे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं। खरगोन बड़वानी क्षेत्र में 65% जाति बरेला की है। ऐसे में खरगोन बड़वानी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बरेला समाज के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए और कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम उन्होंने किया है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को हरेक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए स्थानीय बोलियों में सुमेर सिंह सोलंकी ने अनुवाद किया। साल 2005 से 2011 तक सोलंकी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में एक्टिव रहे। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य सरकार उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। कुल मिलाकर एक आदिवासी नेता को राज्यसभा भेजकर बीजेपी एमपी में आदिवासी वोट बैंक को भी अपने पाले में कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।